जल्दी आके गड्डी में बैठ जाओ। फाइनली हल्क भैया ने अपनी टीवी ले लास्ट ग्रैनी वाली सीरीज की वीडियो में ग्रैनी ने हमें हमारे घर से भगा दिया था हमारे पीछे एक डायनासोर लगा के, एंड हमने भी उस डायनासोर को अपने दोस्त हल्क से बहुत पिटवाया। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में वापस से जाने वाला हूँ अपने पुराने घर में। मैं उसे पुराना घर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये वाला घर है ये घर हमारा नया घर है। अब ये वाला घर हमने कैसे खरीदा, हमारे पास पैसे कहाँ से आए, ये जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख लेना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम अपने पुराने घर ग्रैनी ने जिस पर कब्जा कर रखा है उसमें क्यों जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने अपने डॉगी को बचा लिया था। मैं कुछ सामान भी निकालना चाहता था पर ग्रैनी ने मेरे पीछे एक डायनासोर लगा दिया। जैसा कि आपको पता है अभी मैं जा रहा हूँ, अभी हमारे पास एक फ्लाइंग जेट लिए जिससे हम लोग अपने पुराने वाले घर की छत पर सीधा उतरेंगे एंड वहां से सीधा कूद जाएंगे अपने घर में। एंड ग्रैनी को पता भी नहीं चलेगा, ग्रैंडपप को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग अपने घर से कुछ सामान निकाल के ले जा रहे हैं। एंड चुपचाप से उस सामान को गाड़ी में डाल के वहां से निकल लेंगे। और अगर ग्रैनी ने ज्यादा 3-5 की तो मैं उसे हल्क से मिलवा दूंगा। हल्क उसके ऐसे दांत तोड़े ना, पहली बात तो उसके दांत ही नहीं, उसकी हड्डियां ऐसी तोड़ेंगे ना कि मैं बता नहीं सकता। चलो अपना मिशन शुरू करते हैं। तो फाइनली हम छत पर आ चुके हैं। अब यहाँ से मेरा प्लान है वॉल्कनी में कूदने का, क्योंकि वॉल्कनी में शायद ही ग्रैनी कभी आती होगी। अबे यार कूदने के चक्कर में हमारा सर फूट गया, हमारे मुंह से हमारा कमला पसंद केपी बाहर निकल गया, जुबा केसरी हो गई छत। वैसे यार अभी शोर नहीं मचाना होगा, हमें चुपचाप से अपने ही घर में जाना होगा। यार कितना प्यारा घर था हमारा, पर उस बदतमीज ग्रैनी की वजह से हमें इसे छोड़ना पड़ा। अभी तो घर में शांति लग रही है, मुझे नहीं लगता कि शायद ग्रैनी जाग रही होगी क्योंकि वो दिन में सोती है और रात में जागती है। एक मिनट यार मैं बाथरूम में नहीं जाने वाला क्योंकि लास्ट टाइम तो आपको याद होगा कि क्या हुआ था। ग्रैनी किचन में तो नहीं है, नहीं है यार किचन में तो कोई भी नहीं है, ना तो स्पाइडर दिख रही है, ना ग्रैंडपा ना ग्रैनी, शायद सारे ही लोग कहीं चले तो नहीं गए। यार किचन में तो कोई सामान रखा नहीं है हमारा, लेकिन शायद नीचे कुछ जरूरी सामान रखा हो। वैसे यार ग्रैनी ऐसा तो नहीं बेड पे सो रही ओ, एक मिनट नहीं सॉरी क्या बात है, अभी बहुत अच्छा मौका है। ग्रैनी ग्रैंडपा पता नहीं कहाँ मर गए हैं और हमें कैसे भी कर कर यहाँ से अपने सामान को ले जाना होगा। यार देखो हमारा कंप्यूटर भी पड़ा है डेस्क पे, लेकिन यार हमें कंप्यूटर नहीं ले जा सकते भी। एक मिनट यार, अरे याद आया हमारे नए घर में तो टीवी ही नहीं है, फालतू में नया टीवी लेना पड़ेगा, इससे बढ़िया यही वाला उठा ले चलते हैं एंड जल्दी से उसको निकाल लेते हैं। 1 मिनट लेटर भाई जल्दी से यार टीवी को ले चलते हैं क्योंकि अभी एक एक करके सामान ले जाएंगे, ज्यादा ले जाएंगे, अगर गिर गया आवाज होगी तो ग्रैनी व्रैनी आ सकती है। नाउ फाइनली गाइस हमने गाड़ी में टीवी रख लिया है एंड अभी जल्दी से इसको भगा लेते हैं, अगर ग्रैनी ने नहीं देखा है तो हम बच जाएंगे। एक मिनट यार की आवाज कहां से आ रही है, ऐसा तो नहीं ग्रैनी ने देख लिया, नहीं यार लेकिन हम तो चुपचाप से सारा काम किया। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी भी मैं अभी नई ही लाया हूं एंड अबे ग्रैनी पीछे हमारे आ रही है, अबे यार शिट अब क्या होगा। वैसे गाइस मैं कार फॉर सेल पे सेकंड वीडियो बनाने वाला था लेकिन अभी लगता है ग्रैनी मेरी वीडियो बना देगी। वैसे जल्दी से आगे भगाते हैं अपनी गाड़ी को, अबे यार कैसे भी करके इससे पीछा छुड़ाना होगा। और हम अपने घर भी नहीं जा सकते क्योंकि अगर उसे अपने नए वाले घर का पता चल गया ना तो वो वहां भी पहुंच के कब्जा कर लेगी। अबे टीवी निकल के आगे गिर गई यार, अब शायद ग्रैनी अपना पीछा छोड़ दे। हाँ यार अब ग्रैनी शायद पीछे नहीं आ रही है, कोई बात नहीं ग्रैनी तू चली जा, अभी रुक अभी अभी मैं तुझे अब बताता हूँ, अब तू देख अब तू देख। गाइस अब मैं जा रहा हूँ हल्क के पास, भाई वही हमारी कोई हेल्प कर सकता है। यार हमारी टीवी और हमें ही नहीं दे रही है यार, ये कौन सी बात है, हमारा घर भी ले लिया हमारी टीवी भी ले ली, हमारी जान लेगी क्या। तो भतीजो हम कूदते फांदते कैसे भी हल्क भैया के पास आ चुके हैं, यही रहते हैं। अबे क्या ब्रेक मारी, इसके लिए एक लाइक कर देना। तो हल्क भैया इसी के ऊपर रहते हैं, यहाँ से मैं गोल गोल रानी मीठा मीठा पानी करके ऊपर जाना होगा। पर यार इतनी बड़ी गाड़ी को हम कैसे ले जाएंगे, एक मिनट आइडिया, हमारे पास तो जेट पैक है ना, क्यों ना हम उसी से चलते हैं। तो भतीजो यार अभी हम जल्दी से चलते हैं हल्क भैया के पास एंड मुझे 100% श्योर है कि वो कोई ना कोई हेल्प हमारी कर ही देंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि उनको अपने साथ ही ले चलूं और ग्रैनी से जाके बातचीत करवा दूं, वो 2-3 फटके लगाएंगे, ग्रैनी की चटनी बनाएंगे, उसके बाद ग्रैनी को समझ में आएगा कि हमारे पास कितनी पावर है। तो फाइनली अभी हम सबसे ऊपर आ चुके हैं एंड यहीं पे हल्क भैया धूप सेक रहे होंगे, जल्दी से उनको बुलाते हैं, थोड़ी आवाज आवाज करते हैं। हल्क भैया कमिंग, हल्क भैया कमिंग, हल्क भैया आ रहे हैं एंड अभी मैं इनको बता देता हूं पूरी स्टोरी। भैया जी सुनो यार, ग्रैनी के पास टीवी नहीं है, 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 ग्रैनी के पास टीवी नहीं है।
ओके, तो हमने हल्क भाई को पूरी बात बता दी है एंड वो बोल रहे हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ कौन है ग्रैनी। मैं तो जेट से जा रहा हूँ और हल्क भाई का स्टाइल देखना नीचे उतरने का। क्या, अबे यार हल्क भैया ने क्या जंप मारी, ऐसी जंप मैं कहूंगा ग्रैनी की ऊपर मार दो, ग्रैनी बेचारी जमीन में घुस जाएगी। वो बेचारी नहीं है, बहुत खतरनाक है यार। हल्क भैया जल्दी आके गड्डी में बैठ जाओ। तो फाइनली हल्क भैया हमारी गाड़ी में बैठ चुके हैं। उनके लिए तो एक ट्रक लाना चाहिए था पर उन्होंने अपना साइज छोटा करके उस अपनी गाड़ी में ही आ चुके हैं। अब जल्दी से चलते हैं अब ग्रैनी के घर पे। अबे यार अपना ही घर है, वो याद आ गया। हल्क भैया उस ग्रैनी के इतने तमाचे मारना कि उसे याद रहे कि उसने चाचा से पंगा लिया है। तो चल जल्दी से चल मुझे ग्रैनी के पास। बस कुछ ही दूर और हम आ चुके हैं ग्रैनी के घर पर, मतलब कि अपने पुराने घर पर। हल्क भैया यही है हमारा घर। हल्क भैया कूद कर हमें लगता है घर के अंदर घुस चुके हैं। अबे घर के अंदर से आवाजें आ रही हैं, आड़ पाड़ ताड़ साड़ मार काड़ साड़। अरे क्या बात है यार, हल्क भैया ने तो बहुत भयंकर तरीके से मारा भाई। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही अंदर जाने की। अंदर बस इतना पता चल रहा है कि बहुत भयंकर सुताई हो रही है। फाइनली हल्क भैया अपनी टीवी ले ही आए एंड अभी हम जल्दी से चलते अपने घर पर, वहां टीवी लगा के एंजॉय करेंगे। और अगर आप यहां तक देख रहे हो ना तो एक कमेंट करके जाना लव यू चाचा करके, मैं आपकी कमेंट को अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जो नई जो आपके सामने वीडियोस दिख रही है उनको देखो यार। क्या कर रहे हो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।